बजे, 3:30 बजे। क्या हो गया तुम्हें? ये ना खुद सोता है और ना मुझे सोने देता है। इस टाइम पे बज रहे हैं, ये देखें टाइम। और यहाँ पापा जब मेरा ब्लॉग देखेंगे तो पापा को पता चलेगा कि तुम सुबह लेट क्यों उठते हो। सिर्फ यही नहीं, ये भी जाग रही है। तुम्हें कहा था ना मैंने कि कल से तुमने टाइम पे सोना है। तुम्हारी माँ ने कहा था ना, फिर भी तुम लेट सो रही हो। चलो सो फौरन, अब तुम्हारी आंखें ना खुली हो, चलो बंद करो। बदतमीजी, बदतमीजी। इन सब की वजह से मैं जलील होती हूँ। अगर भी पापा आ गए तो उनको लगना है कि मैं जाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, क्या देख क्या रहे हो तुम? ये भी दिखाओ ना सब कुछ। ये क्या है, ये किसकी आईडी है? आईडी नहीं, मैंने पनीत सुपरस्टार की आईडी है। तुम इस टाइम पे कंबल में घुस के उसको देख रहे हो हैं? हम सबकी जान है पनीत सुपरस्टार। इसकी आवाज ऊंची होने की वजह से मेरी बात सुनो, ये तुम हैंड फ्री पकड़ो। यार इसकी वजह से मैं सो नहीं पाती और सुबह मेरी आंख नहीं खुलती। ओए तुम सो गई हो, अब ड्रामे कर रही हो? दोस्ती दोस्ती, ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? पहले कौन सा चिल्ला काट रहे हो? किसी दिन ऐसे तुमने सीरियस होना है और मैंने मजाक समझ रहे होना। बेटा ऐसे करने से ना जिन वाकई आ जाते हैं। मैं सोने लगी हूँ और अब अगर वाकई आ गए ना तो मुझे मत उठाना। मैं आई तो वो भी देख रही है, ये क्या करे। तमीज करो। मैं बिल्कुल नहीं जाग रही इसकी वजह से। चलो बेटा उठो, नमाज पढ़ के सो आप। चलो सो फाइनली वी आर बैक विद द प्रीवियस रूटीन। सो फाइनली मैं ऑफिस आ चुकी हूँ और आज हमारी कोई मीटिंग है जिसकी वजह से हमें नीचे हॉल में बुला रहे हैं। तो अब हम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, उसके छोटे से क्लिप्स में इसके अंदर ऐड कर देंगे। आज फिर से मैं एज यूजुअल लेट हो रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एंड पर थोड़ा बहुत चल रहा था। तो अब आपसे नीचे जाकर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सो आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस। आज मैंने एक छोटी सी मीटिंग के क्लिप्स आपके साथ शेयर किए थे। तो ये मीटिंग का टाइटल जो था वो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था। चैम्बर जो है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वुमेंस को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हैं। और मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब आने वाली जो यूथ है उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। यार लड़कियों को किसी भी चीज़ में ना पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको फुली सपोर्ट होनी चाहिए फैमिली की और हर तरीके से गवर्नमेंट की। कि यार देखें, मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि वुमेन इंडिपेंडेंट ना हो तो ठीक है। वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि आपके बाबा एक बिजनेसमैन है, आपका भाई बिजनेसमैन है, या आपका शौहर बिजनेसमैन है। आप उनका 20% भी अर्न कर रहे हो ना, तो प्लीज़ करो, ये मत सोचो यार वो इतना कमा रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, खुद को पॉलिश रखो। ऐसे तो कोई भी चीज़ पड़ी रहे उसको जंग लग जाता है। तो अपने आप को इस सिचुएशन में रखने से बेहतर है कि खुद को किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, थोड़ा करो, बेहतर करो।
और एक लड़कियां अच्छे तरीके से माशरे में काम कर सकती हैं, हर तरीके से काम कर सकती हैं, अगर वो अपनी बाउंड्रीज़ का और अपनी लिमिटेशंस का और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में काम करें तो उनको इनक्रेज करना चाहिए, हर तरीके से फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट करने पे आऊँ तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और अब खाना शाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जिक्री आएगा तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि आज ज़रा इसको मफिन को थोड़ा सा मफिन आज मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम दूँ, ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड सा फील कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया जा रहा, तो आज इसको टाइम देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन बैठ के इस टॉपिक पे बात करेंगे और जिक्री आता है तो फिर उसके साथ ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो ये आप सब देख सकते हैं कि ये टाइम हो रहा है इस वक्त रात का और ये अभी तक सोया जा रहा है, कोई उठने का प्रोग्राम नहीं हो रहा। या मम्मा ये टाइम इस टाइम पे रात को अगर ये सोया रहेगा तो फिर ये किस तरीके से जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा। यार मम्मा इंसान कभी नहीं, गजब बेइज्जती है। अच्छा मैंने ये चीज देखी है कि मैंने सिर्फ बाहर के खाने के ब्लॉग्स जो थे वो एडिट किए, घर के खाने के ब्लॉग्स नहीं डाले, तो मैं अभी आपको मामा से पूछ के बता देती हूँ। मामा आपके और घर में खाना नहीं बनाती, बताएं इसको बंद करें ना, बताएं आप घर में खाना नहीं बना के देती हमें, ऊंची बोले उनको आवाज नहीं जानी, बताएं। बिल्कुल बनाती हूँ। आप हमें घर में खाना नहीं बना के देती? बनाती हूँ, रोज बनाती हूँ, आप घर से खाते नहीं। आप रोज बनाती हैं, कल से मैंने रोज क्लिप ऐड करना है और रोज नए से नया खाना होना चाहिए, बताएं। ठीक है ओके। रोज कल से देखेंगे कि हम दोपहर में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, दोपहर को अलग खाना होना चाहिए, रात को अलग खाना होना चाहिए, ठीक है? ठीक है बेटा। मेरी मामा कुकिंग करती हैं लेकिन रोज करती हैं। जिक्रिया को बुला के लाती हूँ, लगता है पापा के साथ थोड़ा सा पापा के ना पापा को मक्खन शक्कन लगा रहा है, पैसे शैसे ले रहा होगा, तो जिक्रिया को बुला के लाती हूँ। भाई अभी का सीन ये है, तबीयत वगैरह बहुत ख़राब है और अभी हम जा रहे हैं योगर्ट खाने क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि तुम सिर्फ योगर्ट खाओ और अभी नेस्ले का जो ये है अभी ये योगर्ट खाते हैं और बिल्कुल नहीं है इसके लिए पानी लेके आना मेरे लिए, इसमें लेके अंदर चलते हैं, बेड बेड पे से रखते हैं और बैठ के खाते पीते हैं योगर्ट शोगर्ट। ये आ गया, नहीं बस वन बाइट। की तबीयत खराब है इस वजह से आज हम ज्यादा ब्लॉग शूट कर पा रहे हैं। ओह माय गॉड, कितनी दफा पी रहे हो ये सुबह से? शेयर कर दो। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अच्छा हमको सिखा रहा है। कैसी तबीयत है आप तुम्हारी? बहुत बेहतर है, बहुत खराब तबीयत है मेरी। सही है भाई, इस बात से बेहतर है। और क्या? तुम्हारा सर दबा दूं? सर ये नहीं होता, सर ये होता है ये। चलो दबा दूं? हाथ पीछे करो, मैं दबा रही हूँ, थोड़ा और दबा दूं? अब इस समय डबल दर्द होना शुरू हो गया, दांत तो खुल काम भाई निकालने थे यार। कट अगेन चूने। आप देख सकते हैं आज जिक्रिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे तो ठीक लग रही है लेकिन पता नहीं कहाँ से खराब है, लेकिन खराब है जैसा कि हम देख सकते हैं।
ये कैमरा आते साथ ही तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। ये फोन जो है इसको रख देते हैं हम इसके अंदर, अब तुम्हारी तबीयत जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी और खराब हो गई ना, थोड़ा देखना फोन पर तबीयत सेट हो जाएगी। इस वजह से आज हम ज्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पा रहे, तो मैं अकेली अब कितना कर सकती हूं। ओह सबर करो। असल में ना इस दुनिया में भलाई का कोई फायदा नहीं है। मैं भलाई कर रही थी कि यार मेरा भाई बहुत बीमार है तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यही होता है जब आप ज्यादा केयर करने लग जाओ। ना ना ना, तुम्हें कैसे बताऊंगी मामा जी। अब तू देख, आज से ना तुम्हारी मेरी खत्म है। बाहर में जा, ये बात तुम अपने ज़हन में डाल लो। बफा जाओ मेरे बेड के करीब में ना आना। चलो प्लीज आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब इसके हिस्से का सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग ये करें कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब करें, इसे जो लोग पसंद करते हैं वो अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है? नहीं 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 नहीं, कमेंट्स में बताएं कि मुझे कौन पसंद करता है और इसको कौन पसंद करता है। अगर मुझे पसंद करते हो तो गुलाबी दिल, इसे पसंद करते हो तो लाल दिल। अब जल्दी से फेंको, देख लेते हैं इधर इधर प्लीज। लाल दिल शक्ल देखो अपनी। ओके बाय, तो इधर बाद लड़कियों का स्टाइल, लड़कियों का ससुराल में हंसने का स्टाइल। ते अपने कार विच आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कीप वॉचिंग अस फॉर अमेजिंग कॉन्टेंट ओनली ऑन ZS व्लॉग्स।